तुम अच्छी तरह से जानते हो अरमान, इस फैमिली के खिलाफ साजिश करने वालों से मुझे बहुत ज्यादा नफरत है। सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे और मन्नत के बीच में? बताओ अरमान, तुम और छोटी दादी मिलकर क्या प्लानिंग में लगे हो? बोलो। कौन सी प्लानिंग? कैसी प्लानिंग? इबादत, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ना कैरेक्टर के गिरगिट हो। मुझे स्टूपिड मत समझो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम क्या हो, छोटी दादी क्या है और तुम लोग क्या क्या कर सकते हो। तुम तो खुद मन्नत को पसंद करते हो ना, तो मन्नत और सुभान की शादी की बात सुनकर तुम चुप क्यों हो? चुप का मतलब? मन्नत की खुशी के लिए खामोश हूँ और कुछ नहीं। अच्छा, ये बात है, तुम बेवजह मुझ पे शक कर रही हो। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मान लिया। अल्लाह का शुक्र है। अब आप बोले तो मैं जा सकता हूँ। अरमान, एक हेल्प कर दो मेरी, मुझे ना वो बर्तन चाहिए, उसे निकालने में हेल्प कर दो ना प्लीज। मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ, हेल्प कर दो। कल ईद है और मन्नत और सुभान की शादी की तैयारियां भी शुरू हुई है, मुझे चाहिए बर्तन। इबादत बहुत ऊपर है, मैं निकाल नहीं पाऊंगा, चढ़ नहीं पाऊंगा ऊपर। क्या मतलब है चढ़ नहीं पाऊंगा? एक मिनट। इस पे पैर रखो और चढ़ जाओ, इतने टॉल हो, आराम से पहुंच जाओगे। सोच क्या रहे हो? चलो। अच्छा, मैं हेल्प कर दूंगी, मैं पकड़ के रखूंगी सिलेंडर नीचे से। चलो। कोई जरूरत नहीं, मैं चढ़ जाऊंगा। आराम से। कौन सा? हाँ बस वही। इबादत, ये क्या कर रही हो तुम? इबादत छोड़ो छोड़ो, इबादत मेरे पैर क्यों बांध रहे हो सिलेंडर के साथ? इबादत क्या कर रही हो तुम? इबादत दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सिलेंडर फट गया तो चैन निकालो। इबादत 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 चैन निकालो। ये इबादत, ये क्या कर रही हो इबादत तुम? सच उगलवा रही हो। नानी अम्मी कहती है कि घी जब सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। इसीलिए मैंने घी के डब्बे को ही गैस स्टोव पे रख दिया। अब तो घी पिघल ही जाएगा, अब तो तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। बताओ अरमान, सच बताओ, वरना मैं नॉब खोल के माचिस लेकर आऊंगा। लगता है ऐसे नहीं मानोगे तुम। क्या कर रहे हो तुम? तुमने कैसे होंगे हुए? तुम पागल हो गई हो? ऐसे बंद करो। ये बात तुम चाहती क्या हो? सच सुनना चाहती हूँ, शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा सच बताओ अरमान।